स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न अबाउट डिवीजन. ओके, नाउ एक्सरसाइज 4.3 पेज नंबर 72, मोर अबाउट डिवीजन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड एंड चेक द आंसर. मींस यहाँ हमको डिवाइड भी करना है और अपने आंसर को चेक भी करना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 1, 948 डिवाइडेड बाय 3. ओके स्टूडेंट्स, हियर 948 इज डिविडेंड. ओके स्टूडेंट्स, इज द डिविडेंड. ओके, एंड 3 इज अ डिवाइजर. ओके, 3 इज डिवाइजर एंड 948 इज डिविडेंड. ओके, 3 जा 9. ओके, 0 वी राइट हियर 4, 3 वन जा 3. ओके, लेफ्ट 1 वी पुट द 8 हियर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ 18, 3 सिक्स जा 18, सब्ट्रैक्ट 0, 0. ओके, रिमाइंडर 0. ओके, नाउ चेक द आंसर. आई थिंक यू ऑलरेडी लर्न इन क्लास 3, अप्लाई द फार्मूला. ऑलरेडी यू लर्न इन क्लास 3 फार्मूला. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यू 10 प्लस रिमाइंडर. यू लर्न स्टूडेंट्स. ओके, वी लर्न अगेन इन क्लास 4. ओके, दिस इज द फार्मूलाज. विच फार्मूलाज? चेक द आंसर फार्मूलाज. ओके, सो नाउ वी नो वॉट इज द डिविडेंड एंड वॉट इज द डिवाइजर. हेयर 948 इज द डिविडेंड. ओके स्टूडेंट्स, एंड 3 इज द डिवाइजर. ओके, एंड 316 इज अ क्यूटेंट. ओके, एंड 00 इज द रिमाइंडर. ओके स्टूडेंट्स, इट इज द क्यूटेंट एंड 948 इज द डिविडेंट एंड 3 इज डिवाइजर. ओके स्टूडेंट्स, ओके, नाउ वी अप्लाई द फॉर्मूला. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यूटेंट प्लस रिमाइंडर. ओके, नाउ 948 इज द डिविडेंड एंड 3 इज द डिवाइजर एंड इंटू 316 इज द क्यूटेंट. 360 इज अ क्यूटेंट. क्यूटेंट वी फर्स्टली वी फाइंड आउट द क्यूटेंट हेयर. ओके स्टूडेंट्स, ओके, सो 3 इंटू 316 एंड 00 इज द रिमाइंडर. 00 इज द रिमाइंडर. ओके, सो वी 316 मीन्स क्यू 10 मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर. डिवाइजर इज 3. 3 सिक्स जा 18, 8 कैरी 1, 3 वन जा 3 एंड 1 4, 3 जा 9. ओके, सो दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यू 10 प्लस रिमाइंडर. ओके, ओके स्टूडेंट्स, now here when 948 is dividend, okay, by 3, the quotient is 316 and the remainder is 0. Okay, now come down the question E. Here in question number 1, there are 6 question. Okay, we explain 2 question, question A and question E. Now rest of the question you do self. Okay, E is 6440 divided by 8. Okay, 6440 is the dividend, 8 is the divisor. Okay, now 0 is the remainder or 805 is the quotient. Okay, 8 is 64. Okay, subtract 00. We put the 4. Okay, so now
फोर में यहाँ एट से डिवाइड नहीं होता, सो दैट वी पुट द हेयर जीरो, अगेन वी पुट राइट हेयर जीरो इन द क्यू टेन. ओके, एट फाइव ज 40, 40 माइनस 40 इज जीरो. ओके, देन आफ्टर वी चेक द आंसर, अप्लाई द फार्मूला, चेक द आंसर में हम फार्मूला पहले पुट करेंगे. अगेन वी राइट द डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यू टेन प्लस रिमाइंडर. जो डिविडेंट है वो हमारे डिवाइजर क्यू टेन और रिमाइंडर के इक्वल है, मीन्स डिवाइजर को हम क्यू टेन से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर को ऐड करेंगे, देन दिस इक्वल इज इक्वल टू डिविडेंट. ओके, 6440 इज द डिविडेंट इज इक्वल टू 8 इज द डिवाइजर, 805 इज द क्यू टेन. ओके, एंड 00 इज द रिमाइंडर, 8 5 ज़ा 40, ओके, 0 कैरी 4, 800 पुट हेयर 4, 88 ज़ा 64, सो 6440 इज इक्वल टू 6440, मींस अवर क्यू टेन इज राइट. ओके ओके, नाउ कम डाउन द क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्यू टेन एंड द रिमाइंडर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. Here also 3 question are there. So we do only 1 question, then after rest of the question you do it. Okay, question number 1. 3741 is the dividend and 3 is the divisor. We find out the quotient and remainder. हमको यहाँ पे quotient और remainder find करना है. Okay. So now 3 1 ज़ा 3. 3 minus 3 0. Okay. We put the 7. 3 2 ज़ा 6, 7 minus 6 1. ओके, वी पुट द 4, 4 हेयर 14, वी 3 4 ज़ा 12, 14 minus 12 2, लेफ्ट 2, वी अगेन पुट हेयर 1. ओके, सो 21, 3 7 ज़ा 21 minus 0. ओके, रिमाइंडर इज 0 एंड क्यू टेन 1247. क्यू टेन इज इक्वल टू 1247 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0. ओके ओके स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड. नाउ कम डाउन द क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिवाइजर. हियर वी फाइंड आउट द डिवाइजर. वी ऑलरेडी अप्लाई हियर formulas. Okay, which formulas? Those formulas we apply in question number 1. Check the answer. Same here we formula apply here. Okay, question is dividend 1414, quotient is 157 and remainder is 1 and divisor we find out. Okay, so dividend, quotient and remainder are there, given there, and then divisor is find out. Apply the formula. Okay students, okay, apply the formula. Dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Okay, learn this formula, all the students listen, learn this formulas. Okay, so now given here 1414 is the dividend, divisor we find out, quotient is 157 and remainder is 1. Okay, so we find out the divisor. So divisor is equal to dividend upon quotient. Divisor ko find karna hai, to hum dividend mein quotient se divide karenge. Okay students, okay student, divisor is equal to dividend upon quotient. Okay, here dividend 1414 and quotient is 157. Okay, so that divisor is equal to dividend upon quotient. Dividend ko hum quotient se divide karenge. So 157 divided into 1414, 157 into 9. Okay students, now 1414 divided into 157, 157 9 ज़ा,
ओके 157 मल्टीप्लाई बाय 157 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 1430 माइनस करेंगे हम लेफ्ट 1, अब चूंकि ऑलरेडी यहाँ पे 1 है रिमाइंडर, ओके सो हमको क्या प्राप्त हुआ यहाँ पे, हमको डिवाइजर, वी गेट द डिवाइजर, डिवाइजर इज 9 आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर टू क्वेश्चंस, वन क्वेश्चन वी सॉल्व इट एंड देन सेकंड क्वेश्चन डू सेल्फ, ओके एंड एक्सरसाइज 4.3 आर कंप्लीटेड, पेज नंबर 72, ऑल द स्टूडेंट्स डन इन योर मैथ्स कॉपी, ओके थैंक यू।